डियर फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि हम कैसे डीसी करंट मेज़र करते हैं। डीसी करंट मेज़र करने के लिए हमें डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए। ये हमारा एक डिजिटल मल्टीमीटर है और ये डिजिटल मल्टीमीटर में कैसे करंट मेज़र करते हैं वो हम दिखाते हैं। ये जो सेक्शन है इसके इसमें हम करंट मेज़र करते हैं। अगर हमको 10 एम्पियर तक करंट मेज़र करना है तो ये जो प्रोब है इसको हम 10 एम्पियर जो सेक्शन है यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और अगर 200 मिली एम्पियर से 2000 माइक्रो एम्पियर से 200 मिली एम्पियर तक करंट मेज़र करना है तो ये सेक्शन में ही हम नॉब को लगाएंगे, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि कैसे करंट मेज़र किया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एमीटर से हम लोग करंट मेज़र करते हैं तो एमीटर जो कनेक्शन होता है वो सीरीज़ कनेक्शन होता है। अगर आप सीरीज़ कनेक्शन नहीं करेंगे तो हम करंट मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सीरीज़ कनेक्शन कर सकते हैं और सीरीज़ कनेक्शन में कैसे करंट मेज़र करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो नेगेटिव प्रूफ है, नेगेटिव प्रूफ डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 200 मिली एम्पियर के रेंज में हम ये जो डिजिटल मल्टीमीटर उसको रखेंगे नॉब को, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव प्रोब में हम आपको एक बजर लगा के दिखाते हैं कि कैसे करंट मेज़र कर सकते हैं। ये जो बजर है इसको हम नेगेटिव प्रोब में, नेगेटिव जो वायर है उसमें हम लगाएंगे ये नेगेटिव वायर, और ये पॉजिटिव वायर है, ये पॉजिटिव वायर से हम इसको कनेक्ट करेंगे सेल बैटरी से, ठीक है। बैटरी से हम इसको कनेक्शन करते हैं। ये हमारा जो सेल है ये 9 वोल्ट का सेल है। तो देखिए मैंने एक सीरीज़ कनेक्शन कर दिया, ठीक है। ये सीरीज़ कनेक्शन के बाद हम इसको करंट मेज़र कर सकते हैं बहुत इजीली विद अ डिजिटल मल्टीमीटर। देखिए यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन किया है मैंने और एक बजर लगाया है। अब हम देखेंगे कि करंट कितना मेरा पास हो रहा है। तो इसमें हम अगर कनेक्शन करते हैं तो हमारा बजर बजेगा और उसमें हम करंट मेज़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रीडिंग बहुत अच्छे तरह से हम सामने ला कर दिखाते हैं फोकस करके जी कितना मेरा करंट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना करंट आ रहा है, 7.4 मिली एम्पियर, 7.4 मिली एम्पियर करंट हमें ये सर्किट से मिल रहा है, ठीक है। तो ये बजर से बजने के लिए हमारा कितना करंट चाहिए, 7.40 मिली एम्पियर इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है। हमारे को दिखाते हैं 7.50 मिली एम्पियर, 7.50 मिली एम्पियर करंट इसमें पास हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे कोई भी लोड, यहाँ पर हम मोटर लगा सकते हैं, यहाँ पर हम एलईडी लगा सकते हैं और करंट बहुत अच्छे तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो कोई भी करंट, कोई भी लोड यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। देखिए बजर लगा के हम करंट आपको मेज़र करके दिखाते हैं करंट मेरा होता है। देखिए क्या कैसे करंट हो रहा है, 7.50 मिली एम्पियर करंट यहाँ पर मिली एम्पियर रखा है। अगर हम 10 एम्पियर तक करंट मेज़र करना चाहते हैं तो ये जो रेड प्रोब है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और 10 एम्पियर करंट तक हम यहाँ मेज़र कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 200 मिली एम्पियर में रखे हैं और हम देखिए मेज़र करते हैं, ये है 7.50 मिली एम्पियर करंट मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल मल्टीमीटर। हमको याद रखना है कि डिजिटल मल्टीमीटर हमेशा सीरीज कनेक्शन में रखेंगे तभी हम करंट मेज़र कर पाएंगे, अदरवाइज करंट मेज़र कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी हम ये जो हमारा बजर है इसको हम हटा करके और एक हम एलईडी भी पुट कर सकते हैं और करंट मेज़र कर सकते हैं। तो एलईडी देखिए मैंने एक यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल में इसको पुट किया और इसको हम कर दिए पॉजिटिव टर्मिनल में और हम इसको चेक करेंगे कि एलईडी में कितना करंट पास हो रहा है। हम देखेंगे कि एलईडी में करंट फ्लैक्चुएट होता है, फिर भी हम देखें कितना करंट पास हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए लाइट जल रहा है और मेरे करंट देखिए कितना आ रहा है, वो भी हम दिखा सकते हैं आपको। तो ये जो करंट है ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, ठीक है, 18.4, 25.8। तो देखिए यहाँ पर करंट फ्लैक्चुएट हो रहा है इसीलिए हमारा ये रीडिंग दिख रहा है। तो ये भी हम दिखा सकते हैं कि 19.4 मिली एम्पियर करंट इसमें पास हो रहा है, ठीक है, या 41 इसमें वेरिएबल करंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें और एक काम कर सकते हैं, अगर हम इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दें तभी हम लाइट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हम रेजिस्टेंस लगा कर भी आपको दिखाएंगे कि कितना मेरे करंट इसमें पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एलईडी लिया है, अब एलईडी के साथ हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसमें भी हम करंट मेज़र कर सकते हैं कि मेरे इसमें कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इसमें लगाते हैं, इसमें मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया,
देखिए मेरे वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम इसमें भी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, अब मैं करंट मेज़र करूँगा। देखिए लाइट जल रहा है, ये 0.1 मिली एम्पियर करंट शो कर रहा है। और हम करंट बढ़ाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस हम कम कर देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस कम करने से मेरा करंट इंक्रीज होगा, मतलब 0.1 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लगा करके इसका हम करंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए हम करंट मेज़र करते हैं, यहाँ पर 40 वेरिएबल करंट हमको मेज़र में मिल रहा है। तो इसको हम करंट को कम ज़्यादा, वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके भी हम आपको दिखा सकते हैं कि इसमें कितना फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर 8.9 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट को हम यहाँ पर चेक कर भी सकते हैं कि कितना करंट मुझे इसमें पास करना है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो करंट धीरे धीरे कम हो जा रहा है, 0.6 यहाँ पर 1 मिली एम्पीयर करंट हो रहा है, 1.0 0.6 0.7 मिली एम्पीयर करंट हो रहा है। हमको खाली यह रखना है कि हमको जो भी करंट मेज़र करना है उसमें हमको सीरीज कनेक्शन करना है, अदरवाइज हम ये करंट मेज़र नहीं कर पाएंगे। देखिए 0.7 मिली एम्पीयर 0.6 मिली एम्पीयर करंट यहाँ पर शो हो रहा है, हम इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्शन किए। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हम चेंज करेंगे फिर भी देखिए करंट कितना चेंज हो रहा है, 0.2 मिली एम्पीयर रेजिस्टेंस हम देखिए हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद मेरा करंट इंक्रीज हो गया 16.30.2 मिली एम्पीयर करंट यहाँ से पास हो रहा है, राइट। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।